सत श्री अकाल फास्ट न्यूज खबरों के इस बुलेटिन च मैं रुमन बाजवा देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज करांगे खास खबरों के नाल। संसद का मानसून इजलास भलके सोमवार तो शुरू हो रहा है। इजलास तो पहला मोदी सरकार वालों अज सर्वदलीय बैठक सदी गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। जानकारी मुताबिक संसद का मानसून इजलास 19 जुलाई तो 13 अगस्त तक चलेगा। देश में वधदे डेल्टा वेरियंट के मामले कारण कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अजे टलिया नहीं है। मणिपुर में वध रहे कोरोना मामले कितने मुसीबत न पैदा कर देन, इसलिए सूबा सरकार ने पूरी तरह नाल लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। पूरब उत्तर विच मामले विच वड्डी कमी नहीं आई है। तीजी लहर के खदशे का खौफ भी बनिया होया है। जिक्र खास है कि पिछले 24 घंटे दौरान पूरे देश विच कोरोना के तकरीबन 41,000 मामले सामने आए ने ते तकरीबन 550 मौत हुई ने। इस दरमियान अज पूरे देश विच 50 लाख नूं कोरोना वैक्सीन लगाई गई। भारत में पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना वायरस के 41,157 नवे केस सामने आए ने। इस दौरान 518 लोगों की मौत हो गई है। जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली ओलंपिक खेडों के शुरू होने तो 5 दिन पहला ही 2 एथलीट ओलंपिक पिंड में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओलंपिक आयोजन कमेटी के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। दस दिए कि 23 जुलाई को शुरू होने वाले ओलंपिक का खेड पिंड पिछले हफ्ते ही खोलिया गया था। बहुजन समाज पार्टी के मुखी मायावती ने किसान अंदोलन लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार से निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्रियों वालों किसानों के अंदोलन लेकर वक्त-वक्त खदशे जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी नवे खेती कानूनों को रद्द कराने लिए अपनी जान की आहुति दे रहे किसानों को बदनाम करने की साजिश और उसकी आड़ में चुनावी राजनीति करना बेहद अनुचित है। इत दस दिए कि केंद्र सरकार वालों लियादे गए नवे खेती कानूनों विरुद्ध किसानों का अंदोलन 7 महीने तो जारी है। किसान लगातार कानून रद्द करने की मांग से अड़े हुए हैं। पंजाब कांग्रेस प्रधान के अहदे का मामला हल होंदया ही हुण कैबिनेट विच भारी फेरबदल के आसार पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कैबिनेट नूं नवा रूप देने का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है। सूत्रों मुताबिक 20 जुलाई को कैबिनेट विच फेरबदल कर सकते हैं। दसा जा रहा है कि कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने कैबिनेट विच फेरबदल करने संबंधी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पूरे अधिकार दे दिए ने। पहला ही मनिया जा रहा है कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अपने कैबिनेट विच ज्यादा फेरबदल नहीं किया जाएगा, पर हुण यह कहा जा रहा है कि कैप्टन अपनी इच्छा मुताबिक कैबिनेट विच भारी तब्दीलियां भी कर सकते हैं। इस विच जिथे नवे मंत्रियों नूं कैबिनेट विच स्थान दिता जाएगा, उथे ही कुछ मंत्रियों नूं बाहर का रस्ता भी दिखा दिता जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनी एक्शन मोड विच ने, जो कि काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं। उन्होंने वालों बीते दिनी पंजाब कांग्रेस के विधायकों ते मंत्रियों नाल मुलाकात की गई सी ते सारियां तस्वीरां अपने ट्विटर अकाउंट विच शेयर की गई सन। उथे ही अज नवजोत सिंह सिद्धू वालों हल्का शुतराणा तो विधायक निर्मल सिंह ते मदन लाल जलालपुर के नाल मुलाकात की गई है। दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू वालों लगातार मंत्रियों ते विधायकों नाल मुलाकात की जा रही है, जो कि सिद्धू खेमे लिए काफी अहम मनिया जा रही ने। कांग्रेस हाईकमान वालों नवजोत सिंह सिद्धू ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह विचकार चल रहे झगड़े नूं खत्म करने की लगातार कोशिश जारी है। सूत्रों मुताबिक कैप्टन ने पिछले दिन फोन ते सोनिया गांधी नूं आखिरी चेतावनी भी दी है कि जेकर सिद्धू नूं पंजाब प्रदेश कांग्रेस अहुदे ते बिठाया जांदा है तां इह खत ते फोन कॉल नूं पार्टी हाईकमान कैप्टन दा इस्तीफा समझे। बदलते हुए हालातों ते 2022 दीआं चोणां दा भविख वेखदे हुए पार्टी हाईकमान किसी भी कीमत ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दा इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी दे हवाले तों इह भी पता लग्या कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी नूं चेतावनी खत भेज के सिद्धू नूं प्रधान बनाउण दा खुल के विरोध कीता है। कैप्टन खेमे वालों प्रताप सिंह बाजवा की तरफदारी लिए ट्वीट किए गए हैं। कैप्टन खेमे के मंत्रियों ते विधायकों ने इस मुलाकात नूं सही करा दिता है। कैप्टन खेमे के विधायक ते मंत्री सिद्धू की बजाय बाजवा की तरफदारी विच ट्वीट कर रहे हैं। मनीष तिवाड़ी का कहना है कि बाजवा के कैप्टन नूं देख के चंगा लग्या है। बिट्टू दे औजला ने भी बाजवा की वकालत की है। मनीष तिवाड़ी ने कहा कि दोवें मिलकर अगे लिए चंगी टीम बनाएंगे, क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा नूं 1983 तो जानते हैं। सांझा अध्यापक मोर्चा वालों 6वीं तनखा कमीशन राही तनखा पत्तियां विच वाधे करन दी थां मुलाजमां ते वड्डा आर्थिक हल्ला विड्डन। सारे कच्चे मुलाजमां नूं रेगुलर ना करन, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल ना करन ते पंजाब सरकार दे मुख प्रमुख सकत्तर वालों बीते 25 जून नूं सांझा अध्यापक मोर्चा नाल कीती मीटिंग दौरान कई मंगां ते सहमति देण दे बावजूद पूरियां ना करन खिलाफ समूहिक विरोध दा मुजाहरा करन लई 18 जुलाई नूं 12 कैबिनेट मंत्रियों दे घरां अगे दिते जा रहे रोस धरने लई संगरूर बरनाला ते मलेरकोटला जिले दे अध्यापकां वालों सिख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला दे आरजी दफ्तर स्थानक रेस्ट हाउस संगरूर विखे जोरदार धरना दिता जा रहा है।
मोगा दे सौ साल हरबंस सिंह के सबर से मेहनत पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सलाम किया जो इस उम्र में अपने ते अपने पोते पोतियां दे गुजारे लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हरबंस सिंह नूं तुरंत वित्तीय सहायता वजो 5 लाख रुपए की राशि ते उन्हां दे पोते पोतियां लिए पढ़ाई की सहूलत देने का ऐलान किया है। अपने सोशल मीडिया माध्यम राही यह जानकारी देंदे मुख्यमंत्री ने इस गल उत्ते भी खुशी प्रगट की है कि हरबंस सिंह की मदद लिए कई स्थानक एनजीओज भी अगे आईया ने। इतने दस दिए कि हरबंस सिंह दी कई वीडियोज बीते दिन सोशल मीडिया उत्ते वायरल हुई सन जिस उपरंत मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक होकर वापस आते समय रस्ते विच एक जख्मी व्यक्ति काफी दर्दनाक हालत विच मिले। जानने से पता लग्या कि किसी व्यक्ति वालों पीड़ित नाल कुटमार की गई सी। जख्मी व्यक्ति नूं गुनानक हस्पताल विखे इलाज कराने लिए भेज दिया गया ते पुलिस प्रशासन नूं दोषी ते जल्द तो जल्द कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए। नाल ही सांसद गुरजीत सिंह औशना ने लोगों नूं अपील करदे कहा कि कोई जख्मी ते जरूरतमंद व्यक्ति मिले तो उसकी मदद जरूर करो जां जिला प्रशासन नूं इस बारे जाणू करवाओ जिस नाल जख्मी का चंगे तरीके नाल इलाज किया जा सके। पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां ने संसद दे मानसून सैशन दौरान दिल्ली दीआं हद्दां ते इकट्ठ वधाउण दा सद्दा दित्ता है। संघर्ष अखाड़िआं तों किसान जथेबंदियां दे बुलारे ने कहा कि पिंडां विच वियंतबंदी करके यकीनी बनाया जा रहा है कि 22 जुलाई तों शुरू होण वाले संसद सैशन दौरान हर रोज वड्डे काफले दिल्ली दीआं हद्दां वल कूच करन। इस प्रोग्राम लई महिलावां विच उत्साह दे मद्देनज़र ठहराव लई विशेष प्रबंध किए जा रहे ने। उधर किसान जथेबंदियों वालों संसद मैंबरों नूं मानसून सैशन दौरान लोकसभा विच हाजिर रहने की ताकीद की जा रही है। किसानों के मुद्दे उठाने और भारत सरकार के खेती कानून रद्द कराने लिए दबाव बनाने की भी अपील की जा रही है। किसान आगुओं ने कहा कि जेकर कोई भी संसद मैंबर सैशन का बायकाट करके बाहर आता है या सैशन विचों गैर हाजिर रहता है तो उन्होंने भी भाजपा आगुओं वांग विरोध किया जाएगा तो उन्होंने जनतक थावां ते बोलन नहीं दिया जाएगा। संसद मैंबर ने किसानों नूं भरोसा दिता है कि लोकसभा विच किसानों के मुद्दे जरूर उठाएंगे। नाल ही किसानों ने अपील की है कि सियासी आगुआ दे गल ना पैन इस नाल अमन कानून की स्थिति खराब होंदी है। उन्होंने कहा कि किसानों नू संघर्ष करन दा पूरा अधिकार है पर सियासी आगुआ नाल बस लुकी तो बचना चाहिदा है। पंजाब तो कांग्रेस के सारे लोकसभा ते राज्यसभा मेंबर आज राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा दी दिल्ली विखे रिहायश ते बैठक करेंगे। बीते दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रताप सिंह बाजवा दे नाल मुलाकात की थी। दोवां आगुआ दे विच काफी समय तो खिचोतान दा माहौल सी पर हुण माहौल सुखावेंपण दे नजर आ रहे ने। अज प्रताप सिंह बाजवा दे घर एमपीस दी बैठक होण जा रही है। सूत्रा मुताबिक इस बैठक दौरान कैप्टन खेमे दे एमपीस बैठक दा हिस्सा बनणगे। इस बैठक तो पहला प्रताप सिंह बाजवा वल्लों पंजाब कांग्रेस दे सांसदां नाल लंच कीता जाएगा। बैठक तो बाद कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी दे नाल मुलाकात करन लई भी समां मंगिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस दे कमासाम चाले इह वड्डी खबर है कि बीते दिन भी सारा दिन नवजोत सिद्धू दा मंचां दे नाल मुलाकातां दा सिलसिला जारी रहा। देश भर में केंद्र सरकार वालों पास किए 3 खेती कानूनों का विरोध हो रहा है। इस विरोध के चलते किसानों वालों भाजपा आगू संजय टंडन के घर का घिराव किया गया। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई तो चंडीगढ़ पुलिस वालों प्रदर्शन कर रहे किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया जिन्हों में एक 13 साल बच्चा भी शामिल है। चंडीगढ़ पुलिस वालों 13 साल बच्चे से की गई इस कार्रवाई तो बाद चारों पासों इसका विरोध हो रहा है। पुलिस वालों की गई इस कार्रवाई का किसान आगुआ के नाल नाल सियासी आगुआ ने भी विरोध किया है। उधर दूजे पास आम आदमी पार्टी ने भी इस मसले से चंडीगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ पुलिस वालों की गई इस कार्रवाई की सख्त शब्दों में निखेधी करती है। मुंबई में भारी मीह कारण लोगों को मुश्किलें पेश आ रही ने। भारी मीह के चलद चैंबूर में दीवार डिगण कारण हुण तक 17 लोगों की मौत होने की खबर है जबकि मरण वाले की गिनती वधन का खदशा जताया जा रहा है। मलबे में फसे लोगों को बाहर कढ़ने की कोशिशें जारी ने। उत्तर प्रदेश कावड़ संघ ने कावड़ यात्रा रद्द कर दी है। संघ वालों यह फैसला सूबा सरकार के कहने लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार को कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए कावड़ यात्रा रद्द करने बारे विचार करे। उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्रद्धालुओं को सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानते हुए कावड़ यात्रा न करने घर में ही प्रार्थना करने की अपील की है। जिक्र खास है कि उत्तराखंड सरकार पहले ही बाहर तो आने वाले कावड़ियों के सूबे में दाखिले से रोक लगा चुकी है। इस दौरान राजस्थान सरकार ने भी कावड़ यात्रा समेत सारे धार्मिक समागमों को रद्द करने का ऐलान किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने नवे दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि देश भर में यूनिवर्सिटी के कॉलेजों का नवा अकादमिक सैशन 1 अक्तूबर तो शुरू होगा जबकि दाखलों की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए। यूनिवर्सिटी के उच्च सिक्ख्या संस्थावों यह यकीनी बनाने लिए किया गया है कि ग्रेजुएशन के कोर्सों लिए दाखला प्रक्रिया CBSE ICSE ते सारे राज्यों के स्कूल बोर्डों वालों नतीजा ऐलाने जाने तो बाद ही शुरू की जाए। कमीशन ने नवे दिशा निर्देश में कहा है कि अजिही उम्मीद की जाती है कि सारे स्कूल बोर्ड 12वीं की प्रीक्षाओं के नतीजे 31 जुलाई तक ऐलान देंगे। जेकर प्रीक्षाओं के नतीजे में कोई देरी होती है तो नवा अकादमिक वर्ष 18 अक्तूबर तक शुरू हो सकता है।
पंचकुला दे सीएम फ्लाइंग स्काउट पुलिस टीम वालों हुक्काबारा ते वड्डी कार्रवाई की गई है। रात 1 बजे ते सवेर 5 बजे तक पंचकुला दे सैक्टर 11 स्थित कोको हुक्काबार अते सैक्टर 9 स्थित पर्पल फ्लैग हुक्काबार एंड रेस्टोरेंट ते सीएम फ्लाइंग स्काउट पुलिस फोर्स की कार्रवाई चलती रही। इस संबंधी फ्लाइंग स्काउट टीम के डीएसपी सरदार टांडा ने दसिया कि उन्होंने इतला मिली सी कि इन्होंने हुक्काबारा विच कोरोना नियमों दी तजियां उठाई जा रही ने। इस संबंधी उन्होंने टीम वालों छापामारी की गई ते मौके तो कोरोना नियमों की तजियां उठाते कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इन हुक्काबारा विच 100 तो वध लोग मौजूद सन ते लोग समाजिक दूरी की पालना भी नहीं कर रहे सन। इस तों इलावा इन हुक्काबारा विच वरते जाते फ्लेवर के सैंपल भरे गए ते जांच लई भेजे गए ता जो इन विच मिले हुए नशे की मात्रा की जांच हो सके। हलका अमलोह तो कांग्रेस पार्टी ते आम आदमी पार्टी के वर्कर वड्डी गिनती विच नौजवान हलका इंचार्ज गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना की अगुवाई विच श्रोमणी अकाली दल विच शामिल हो गए जिन्हां दा पार्टी विच आउण ते विशेष सम्मान किया गया। इस मौके ते राजू खन्ना ने कहा कि अज हर वर्ग कांग्रेस सरकार ते आप दे जुमलिया तो दुखी है। लोक हितैषी पार्टी श्रोमणी अकाली दल विच शामिल हो रहा है ता जो पंजाब नूं तरक्की ते खुशहाली वल जाया जा सके। इस मौके ते राजू खन्ना ने कहा कि अज हर वर्ग कांग्रेस सरकार ते आप दे जुमलिया तो वधेरे दुखी हो के लोक हितैषी पार्टी श्रोमणी अकाली दल विच शामिल हो रहा है ता जो पंजाब नूं तरक्की ते खुशहाली वाले जाया जा सके। उन्हें कहा कि इसी कड़ी तहत अज हलका अमलोह ते वड्डी गिनती विच नौजवान कांग्रेस पार्टी ते आम आदमी पार्टी छड के श्रोमणी अकाली दल विच शामिल हो गए ने। राजू खन्ना ने शामिल हुए यूथ नौजवानों नूं विश्वास दवाया कि उन्हां नूं पार्टी विच बण दा मान सत्कार दिता जाएगा। पंजाब दे नौजवान लड़के लड़कियां विदेश जाने लई हर एक हथकंडा अपना रहे ने ते कई नौजवान अपनी जमीन गहने पा के लखां रुपए लगा के अपनी पत्नियां नूं विदेश भेजते ने पर पत्नियां विदेश पहुंचने उपरंत हुण अपने पति ते सहुरे परिवार नालों नाता तोड़ लैंदियां ने। जिला तरन तारण की सब तहसील पिक्की विंड दे अधीन आउंदे पिंड सादरा विच इस पिंड दे वसनीक कवल सिंह पुत्र बलराज सिंह दा विआह पिंड सबरा दी लवप्रीत कौर नाल मिती 8 अप्रैल 2019 नूं होया सी ते 30 जनवरी 2020 नूं उसने 4 एकड़ जमीन 7 साल लई 20 लाख रुपए विच गहने कीती ते करीब 17,50,000 रुपए खर्च करके अपनी पत्नी नूं इंग्लैंड भेज दिता। इंग्लैंड पहुंचन तो 20 दिनों तक पत्नी ने सही तरह नाल संपर्क किया पर बाद विच उसका रवैया बदलने लग गया ते होर रुपयां दी मांग होण लग पई। जदों पंचायत लैके लड़की दे घर पहुंचे तो पता लग गया कि उसका पहलां भी ब्याह होया सी जिस बारे लड़की परिवार वालों कोई जानकारी नहीं दी गई सी। पीड़ित परिवार ने पुलिस के उच्च अधिकारियों नूं लिखती दरखास्त दे के कार्रवाई की मांग की है ते लड़की नूं वापस भारत डिपोर्ट करन दी मांग की है। खबरां दे इस बुलेटिन च इन्ना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों की जानकारी तुसीं बने रहो साडे नाल चंडीगढ़ टाइम टीवी ते। धन्यवाद।